हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी किसी भी समुदाय के वोट पाने से वंचित नहीं रहना चाहती है। चुनाव को देखते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार मुस्लिम समुदाय का वोट हासिल करने के लिए नए चेहरे का इस्तेमाल करने जा रही है। दरअसल मोदी सरकार ने हरियाणा के मेवात जिले की मुस्लिम बहुल पुनहाना सीट से 27 वर्षीय नौकशाम चौधरी को टिकट दिया है। नौकशाम चौधरी को टिकट देकर बीजेपी ने उस इलाके में बड़ा दाव खेला है। दरअसल बीजेपी का मेवात क्षेत्र से बेहद बुरा रिकॉर्ड है। भाजपा उसका इस्तेमाल करके अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहती है। आपको बता दें कि नौकशाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएट हैं, जबकि उन्होंने लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट में इटली और कम्युनिकेशंस में लंदन से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। वहीं अगर परिवार वालों की बात करें तो चौधरी के पिता एक रिटायर्ड जज और माँ हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। नौकशाम महज एक महीने पहले ही स्वदेश लौटी हैं और उनका कहना है कि इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीति में वो आई हैं। राजनीति में आने पर नौकशाम ने कहा कि मेरे पास प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन ये परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरा पैतृक क्षेत्र है, ये अवकाशित और पिछड़ा हुआ है। नेता धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं। मेरा उद्देश्य इस क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर काम करने का है। आपको बता दें कि 2014 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मेवात की तीनों विधानसभा सीटें पुनहाना, फिरोजपुर, झिरका और नूह में दूसरे स्थान पर भी जगह नहीं बना पाई थी। लेकिन इस बार नौकशाम को भरोसा है कि परिणाम कुछ और ही होंगे। बीजेपी राज्य और केंद्र दोनों जगह भी सरकार बना रही है। ऐसे में अगर उन्हें विकास और विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व चाहिए तो उन्हें बीजेपी को ही चुनना होगा। नौकशाम चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के मोहम्मद इलियास से है, जो 2009 में यह सीट जीत चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार इलियास नौकशाम की प्रोफाइल से परेशान नहीं है और बल्कि वह यहां शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति अनुभव से आती है, किताबों से नहीं, और 2014 के बाद नौकशाम जहां से आई हैं उन्हें वापस जाना पड़ेगा। खैर, अब देखना ही होगा कि चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नौकशाम चौधरी को लोगों का कितना सहयोग मिलेगा। मौजूदा सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि लोगों का वोट पाना इतना भी आसान नहीं है, वो भी तब जब देश की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती के कारण सरकार विपक्ष और लोगों के निशाने पर बनी हुई है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।